मुख्य चुनाव आयुक्त, और बस अब से कुछ देर में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी शुरुआत हो जाएगी जहां पर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। सीईसी राजीव कुमार बैठ चुके हैं अपनी कुर्सी पर आकर, उनके साथ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर संधु भी मौजूद हैं, और अब बस कुछ ही समय ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी जिसमें राजीव कुमार जी, ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर्स श्री ज्ञानेश कुमार जी एंड डॉक्टर सुखबीर सिंह संधु जी। वी ऑल्सो हैव विद अस ऑन डायस सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स एंड डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। I am Anuj Chandak, Joint Director, Media for the Election Commission. The format of the press conference will be as follows. There will be a brief address by the Honorable CEC along with a very informative presentation. The copy of presentation will be shared with you along with the press note and all of the details after the press conference conclude. After the address by Honorable CEC, we will be having a question and answer session. I would request all of you to kindly raise your hand and the mic will come to you. Kindly introduce yourself, your name and organization, and ask your question. Thank you so much. Now I would request Honorable CEC to kindly address the media. Mani Nirvachan Ayog Shri Ganesh Kumar Ji on my right side. Nirvachan Ayog Dr. Sukhbir Singh Ji Sandhu on my left. Ayog ke varishth adhikarigan aur media ke sabhi friends aur is press conference mein jude hue sabhi hamare voters. आप सबका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। वी वेलकम यू ऑल एट दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस विच इज अबाउट द डिक्लेरेशन ऑफ द शेड्यूल फॉर द एंसुइंग स्टेट असेंबली इलेक्शंस इन महाराष्ट्र एंड झारखंड। फ्रेंड्स, मैं इस वार्ता को शुरू करने से पहले चुनाव आयोग की तरफ से और आपके माध्यम से सर्वप्रथम हरियाणा और जम्मू कश्मीर के सभी मतदाताओं को, वोटर्स को, चुनाव में बहुत ही सशक्त दमदार पार्टिसिपेशन के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर की आवाम ने जमहूरियत के जश्न को ऐतिहासिक बना दिया। भारी संख्या में पार्टिसिपेट कर अपने जमहूरी हक का शानदार उपयोग किया और जिसने लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी है। दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत हर चुनाव में गोल्ड स्टैंडर्ड्स तय कर रहा है, रिकॉर्ड बना रहा है। इन दोनों चुनावों में जो जज्बा दिखाया गया वो लंबे समय तक याद रहेगा। आप सबको वो पिक्चर्स, वो माहौल निश्चित रूप से याद रहेगा। जम्मू कश्मीर की आवाम ने जमहूरियत के जश्न में लोकसभा चुनावों में जो बुनियाद बनाई थी उस पर एक बहुत ही सशक्त इमारत असेंबली इलेक्शंस में लिखी है और इस जनादेश ने नई आशाएं और उम्मीदों को संचार दिया है। नाउ इट इज ओवर टू द पीपल ऑफ जेएंडके टू टेक दिस डेमोक्रेटिक जर्नी फॉरवर्ड। और हम एक नया गोल्ड स्टैंडर्ड और सेट कर रहे हैं। जस्ट टू रिमाइंड यू, जस्ट टू रिकॉल, चुनाव घोषणा के समय ही हम अपना इरादा घोषित करने लगे हैं। हम अपनी विल और इंटेंट को पहले बताते हैं और उसे पूरा करके दिखाते हैं। जस्ट टू टेक यू डाउन द मेमोरी लेन, लोकसभा के चुनाव के समय हम अनाउंसमेंट के समय हमने वादा किया था कि हम 4M की चुनौतियों से निपटेंगे और हिंसा, पुनर्मतदान, धन और सोशल मीडिया के दुरुपयोग की अनुमति नहीं देंगे, और आप सब जानते हैं कि हमने वो करके दिखाया। भारत के चुनावों की गोल्ड स्टैंडर्ड्स की कड़ी में हम एक और नया अध्याय लिख रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए जेएंडके अनाउंसमेंट के समय अगर मैं आपको फिर से याद दिलाऊं कि चुनाव से पहले किस प्रकार की थ्रेट्स थीं, आतंकी हमले बढ़ रहे थे, लोग, आप सब लोगों में से बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि पता नहीं चुनाव आयोग जेएंडके में चुनाव कराएगा कि नहीं कराएगा, और 16 अगस्त को जब चुनाव की घोषणा का समय था तो इसी प्लेनरी हॉल में हमने अपफ्रंट और बोल्ड वादा किया था। और मुझे याद है मैंने कहा था कि जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत दुनिया देखेगी नापाक इरादों की शिकस्त की कहानी, और वो कहानी आपने सबने देखी और वो कहानी पूरे वर्ल्ड ने देखी।